करते हैं, पर असी इनू फ्राई नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो अनहेल्थी है। तो असी रखा हुआ है एयर फ्रायर, असी ज़्यादातर ये जिदा अरबी हो गई जा कुछ भी बनाने जो असं डीप फ्राई नहीं करना चाहते वो असं ये बनाने, तो ये बहुत ही ईजी आ। ये असी थोड़ी थोड़ी करके ये चीप थोड़ी जी खत्म हो जाएगी ना, थोड़ी जी एक ड्राई हो जाएगी, थोड़ी क्रिस्पी बनेगी। ये सो असी इसनू 10 to 12 मिनट के लिए ये करा। असी लगे अरबी तड़का ला, अज असी सब्जी बैकयार्ड च बना लगे हैं। जो असी इस टाइम ठंडे हुए बनाने इतने सब्जी, तो सानू इंडिया के बेड़िया का चेता आता शाम को 4-5 बजे, जो असी सारे बाहर इकट्ठे बैठ के सब्जी को तड़का ला लेंगे चुल्हिया के मोहरे। थोड़े जे प्याज ज़्यादा पाए हैं ये सुखी सब्जी के, जो प्याज ज़्यादा पाए हो तो साढ़े भी हम गर्मी होने लग पी है, 1-2 दिन की बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई है, तो बाहर भी ठंडे हुए निकल जाता है जो 6-7 बजते हैं। इदा खिच के गए देखो कि सोहनी हवा ठंडी चल रही है, बस इन्ना ही फर्क आ कि इन्होंने दिनों इंडिया के थोड़ी गर्म हवा चलती है ज हवा चलती हो ही नहीं, पर इतने इस टाइम हवा बड़ी ठंडी चलती होंगी है। कई बार तो शाम को सू हल्की जी कोटी भी पहननी पैंती है, तो ठंड हो जाती है। साढ़े प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम असी इन्हों के टमाटर हरिया मिर्चा लसन पा के भुनेंगे। साढ़े प्याज वाइट ने इस करके इन्हों का बहुत पता नहीं लगता कि गोल्डन ब्राउन होए है कि नहीं, पर ये आप पावे हल्दी लून मिर्चा लाल तो मसाला। साड़ी अरबी हूँ हजे 5 मिनट लेंदे रेंदे हो ब्रायल के, जब तक असी तड़के सिमते करके रख के तो फुलके उतारने शुरू करते हैं। हम असी लगे हाँ प्रशादे लवान, दो ही काम साढ़े हो जूगे, एक सौ पास साड़ी सब्जी बन जूगी ना ही साड़ी रोटियां बन जूगी। ठंडा हो जाता ना थले रख के चुल्हा बना शुरू करें, जब अभी रोटियां बना रहे तो सानू भट्ठी चुल्हे का चेता आता है, भट्ठी के उ दो जने बैठ के एक जना पेड़ा कर दिया होंगे दूजे ने रोटियां बनाया खड़ खड़ के सब्जी बनाओ कह रहे हो गई कोई प्रॉब्लम है ना हो गई कर लो साडा मसाला हम भुज गया है, तो अरबी भी साड़ी रेडी है, देखो कितनी ड्राई हो गई है, थोड़ी देखने क्रिस्पी भी लग रही है। हम असी ये ऐड कर देवे ड्राई फ्राई की, यह मौज आ कि ये सू कोई भी चीज़ है जी डीप फ्राई नहीं करनी पैंती, तो बहुत ही हेल्थी है।
सब्जी बन जाएगी, इन्ने विच साडे प्रसादे भी तैयार हो जाएंगे, नाल हुंदे छक लवांगे। मम्मी अज मैं तुरे मेरे लिए बनायो, मैं बनाया जो तेन खिलाया था, तू जलेबियां मंगिया थी। लो जी साड़ी सब्जी ते रोटियां बन के तैयार आ, हुण असीं सर्व करन लगे आ। बच्चे बैठ गए ने, डैडी जी भी नाल बैठ गए ने। गुरनूर नूं तां कुछ भी नहीं मिलिया खान नूं। मेरी रोटी आ गई किस गई है, मेरी नहीं आई सारे बात करी। गुरनूर देखो जी रानी सादी रोटी वाली है। एनी बाय।